कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? वहाँ से बोलो हाय। हम आ गए हैं पानीपत के रेलवे स्टेशन पे और वेट कर रहे हैं कालका के ट्रेन का। जैसे ट्रेन आती है मैं आपको दिखाती हूँ ट्रेन अंदर से कैसी है। ये थी ट्रेन के बाद ट्रेन आने वाली है, काफ़ी अभी तो दूर है काफ़ी। ये दूसरी ट्रेन के बाद है। अभी भूख लगी थी तो हमने जस्ट जस्ट चाय पी और वो चिप्स खाए थे, चाय और चिप्स। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, हम जा रहे हैं कालका। ट्रेन चल पड़ी है हमारी। चुनमुन देवी हमारी छोटी सी। दोस्तों ये है बाहर का व्यू। जब हम पानीपत से चले थे तो मैंने ये ट्रेन से शूट किया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। ग्रीनरी कितनी अच्छी लगती है ना। कमेंट करके बताना किस किस को ग्रीनरी अच्छी लगती है। ये हमारी ट्रेन का नज़ारा कुछ अंदर से कुछ इस तरीके से। यहाँ ऊपर सबका सामान रखा है और ये है हमारी सीट जहाँ हम बैठे हैं। मैं आपको अपनी गुड़िया को दिखाती हूँ जो मेरे हस्बैंड की गोद में सो रही थी। मैं यहाँ ऐसे पंगे ले रही थी। ये हमारा ब्रेकफास्ट पोटैटो कटलेट और ये है मेरी गुड़िया जिससे मैं बंदरी बंदरी करती रहती हूँ। कभी प्यार से मैं ऐसे बंदर बोलती हूँ, कभी मैं ऐसे गुड़िया बोलती हूँ। काफ़ी शांति से सो रही थी। फीड करने के बाद ये थोड़ी देर सोती है, 2-3 घंटे तक लगातार। और मैं यहाँ काफ़ी चिंता में थी कि ये रात में जगेगी। दोस्तों यहाँ मैं पहुँच चुकी थी अंबाला कैंट। अब हम जा रहे थे चंडीगढ़ की तरफ जो लगभग आधा पौना घंटा में आ जाएगा। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता। दोस्तों एक ऐप आती है फाइंड माई ट्रेन जिसमें आप उसका ट्रेन का जिस ट्रेन में आप बैठे हो उसका रनिंग स्टेटस देख सकते हो कि आप कितनी देर में अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हो। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया जो कितनी शांति से सो रहे हैं। एक्चुअली हम चंडीगढ़ पहुँच चुके थे और देखिए कितनी शांति से सो रहे हैं दोनों मुझे जगा। और ये है चंडीगढ़ के बाहर का व्यू। एक्चुअली ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी और मैं बार बार बाहर चेक कर रही थी कि हम कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। काफ़ी एक्साइटेड थी मैं पहुंचने के लिए। फाइनली कालका स्टेशन आ चुका है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ट्रेन जरूर समझना चाहती हूँ। और ये देखिए बाहर का मौसम अभी थोड़ा सा साफ है, थोड़ा सा ख़राब है, आप देख सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के घर। एक्चुअली अभी हमने होटल बुक नहीं किया है, हम घर जाके होटल बुक करेंगे। और देखिए कुछ ही देर में मौसम कैसे ख़राब हो चुका है यहाँ का। ये है मेरा होटल जो मैंने दोपहर में बुक किया था। अब हम जा रहे हैं होटल के अंदर चेक इन करने के लिए। और आप देख सकते हैं वीडियो में
जिन्होंने मेरा बैग उठाया हुआ है वो हस्बैंड से ज़्यादा है, मेरे बगल में फोन में आया और ये उनका बेटा है। अभी हमने चेकिंग कर लिया है, खाना खाने के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको होटल का नज़ारा दिखाऊंगी। ये हमारा रूम और ये है वहाँ का व्यू सुबह का। एक्चुअली रात को पॉसिबल नहीं हो पाया व्यू लेने का, काफ़ी अंधेरा था तो मैंने सुबह ये व्यू लिया है। वहाँ पे देखिए कितने ओले पड़ रहे थे दोस्तों, कोई भी बाहर नहीं था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके भेज दो।